आइए अब लाइन के प्रकार की बात करते हैं, टाइप ऑफ लाइन। लाइन कितने प्रकार की होती है, तो हमने इसे मोटे मोटे तौर पे 10 भागों में विभाजित किया है। इससे ज्यादा भी भाग आपको दूसरी जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो आइए इन 10 भागों को देखते हैं कौन से हैं। एक तो समानांतर, जिसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन, लंबवत परपेंडिकुलर, समांगी कंक्रेंट लाइन, संपाती कॉन्सिडेंट, स्पर्श टेंजेंट, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्ट, छेदक सेकेंड, और तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल। तो इस तरीके से आपके जितनी भी आप फिगर देखेंगे वृत्त में कुछ स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, या उसमें कोई छेदक रेखा जा रही है, या कोण जब हम पढ़ेंगे तो तिर्यक रेखाएं उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह की सारी लाइनें आपके इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाएंगे। यहां पे हम देखें कि समांतर यानी पैरेलल लाइन क्या होती है। तो रेलवे स्टेशन पे या बाहर कहीं भी हमने रेल की पटरियों को देखा है। ये रेल की पटरियां किस तरह से होती हैं? ये रेल की पटरियां एक दूसरे से समान दूरी बनाए हुए चलती रहती हैं, लेकिन आपस में मिलती नहीं है। जैसे हम यहां देख रहे हैं, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का है, तो बीच में भी ये 2 सेंटीमीटर का होगा और लास्ट में भी ये 2 सेंटीमीटर का होगा। इस तरह से अगर कोई रेखाएं खींची जा रही हैं, ये रेखा ए और बी मान लेते हैं हम इसे, और इसे सी और डी मान लेते हैं, तो ए बी सी डी की समांतर रेखा है। हम इसे लिखेंगे कैसे? ए बी समानांतर है सी डी, ये समानांतर का साइन होता है। तो जहां भी आपको ये रेखा मिले, इसका मतलब हम समांतर या समानांतर रेखा की बात कर रहे हैं। तो हमने समांतर रेखा को बेहतर तरीके से अभी समझ लिया है। अब हम क्षैतिज रेखा के बारे में बात करते हैं। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? तो क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल रेखा होती है। क्षैतिज रेखा जो लेटी हुई रेखा होती है, उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर इस समय लेटी हुई पोजिशन में है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा के नाम। इसका मतलब जो हमने पहले की रेखा बनाई थी, ये एक क्षैतिज रेखा है। इसका हम नाम दे देते हैं, यहां पे एक पॉइंट ए और इसका एक पॉइंट बी। तो ए बी एक कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी एक क्षैतिज रेखा है। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। अब हम ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है? मान लो ये कोई एक क्षैतिज रेखा है, इसके हमने इस तरह से एक रेखा खींच ली, या हमने कोई ऐसे कोई एक रेखा खींच ली, तो ये दोनों रेखाएं जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा है। हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये ए बी, इसका नाम हम ए बी तो हमने दे चुके हैं, सी डी टी एक्स और। तो ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है? ए बी के ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो है एक्स और वाई, ठीक है। ए बी के ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो है सी सी और डी, ये इनकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा में ये जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री का ही कोण बने, ये आपको समझना है। ऊर्ध्वाधर रेखा जो है 90 डिग्री का कोण भी बना सकती है, जैसे ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का बन सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं है, ये 60 डिग्री का भी बन सकता है। तो इसलिए ये दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं लंबवत रेखा की, तो लंबवत रेखा हमेशा क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये लंबवत रेखा है, इसकी एबी के लंबवत रेखा एक्स और वाई होगी, सी और डी नहीं होगी, ये आपको समझना है। लंबवत हम इस तरह से बताते हैं, ये एक लंबवत रेखा है, ये कौन सी है? सी एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, ये रेखा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्ध्वाधर और लंबवत रेखाओं में अंतर होता है। ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है वो 90 मतलब ऊर्ध्वाधर में लंबवत रेखा भी आती है, लेकिन लंबवत में ऊर्ध्वाधर लंबवत एक ऊर्ध्वाधर रेखा ही होती है। एक पर्टिकुलर ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लंबवत रेखा कहते हैं।
मतलब परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो वर्टिकल लाइन ही होती है, लेकिन वर्टिकल लाइन का एक टाइप है जो कि परपेंडिकुलर होती है। अब हम देखते हैं संगामी या कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन से हम क्या समझते हैं, कंकरेंट लाइन का मतलब है कि मान लो किसी एक पॉइंट से बहुत सी रेखाएं गुजर रही हैं, तो वो किसी एक बिंदु पर काट रही है। जैसे ये कोई बिंदु है, इस पर ये भी रेखा काट रही है, 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 ये बिंदु बना देते हैं हम, इसका नाम ए बी दे देते हैं, इसका नाम सी डी ई एफ जी एच आई जी। तो ये सारी रेखाएं जो है संगामी रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहेंगे। ये एक दूसरे की संगामी रेखाएं, क्यों? क्योंकि इनका गमन का मार्ग एक ही है। संगामी क्या है, वो एक ही बिंदु से गुजर रही है, इसलिए इन्हें हम संगामी रेखा के नाम से जानते हैं। ये सारी रेखाएं संगामी रेखा है। अच्छा, संपाती रेखा के बारे में हम देखें तो संपाती रेखा का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे को ओवरलैप करे। इस प्रकार की कोई रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर एक और रेखा अगर मान लो हम खींच देते हैं तो ये संगामी रेखा है। एक रेखा मान लो इधर की तरफ जा रही और दूसरी रेखा हमने इधर से और इधर की तरफ जा रही, तो ये दोनों रेखाएं जो है इनका नाम अगर और इनको ऐसे और कर दें तो ये ए और बी है मान लो, और ये सी और डी, तो ए बी सी डी की संगामी रेखा है। आपको ये समझ में आना चाहिए, संगामी संपाती रेखा है, ए बी सी डी की संपाती रेखा है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये संपाती रेखा हो गई। अच्छा, अब हम स्पर्श रेखा के बारे में बात करते हैं, तो स्पर्श रेखा कौन सी होगी, तो किसी से स्पर्श करती हुई जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, जैसे मान लो एक वृत्त है और इससे यहां से कोई एक रेखा स्पर्श करती हुई निकल गई, तो ये जो स्पर्श करती हुई निकली रेखा है तो ये एबी जो होगी ये क्या होगी, ये एबी एक टेंजेंट होगी, मतलब स्पर्श रेखा होगी, इसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे क्योंकि ये स्पर्श करती हुई जा रही है। ऐसे ही हम प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा ये है कि जैसे मान लो ये और ये हम क्रॉस बना दें, तो क्रॉस में ए बी सीडी की एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ए बी सीडी की प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि ये किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है। बहुत सी रेखाएं जब एक बिंदु पर काटते हैं तो उन्हें संगामी रेखाओं के नाम से जाना जाता है, लेकिन दो या तीन रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम छेदक रेखा को देखते हैं कि छेदक रेखा कैसी होती है। छेदक रेखा में हम ये देखते हैं, जैसे इंग्लिश में हम सेकेंड कहते हैं कि जैसे कि कोई एक व्रत है और इस व्रत के अंदर से कोई रेखा जा रही है, तो इसका नाम हम P और Q दे देते हैं, तो ये जो PQ रेखा है, PQ लाइन है, ये PQ लाइन जो है वो छेदक रेखा के नाम से जानी जाए, ये PQ लाइन है जो छेदक रेखा के नाम से जानी जाए, ठीक है। अब आप देखते हैं लास्ट हमारी तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा कौन सी होती है, तो तिर्यक रेखाएं की रेखाएं हैं जो जैसे ये दो समानांतर रेखाओं को या बिना समानांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो इसे तिर्यक रेखा कहेंगे, ठीक है, और क्योंकि वो कोण बनाती है तो इसे हम तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये ए बी सी डी ई एफ, तो ये जो ए बी है और सी डी, ए बी और सी डी की जो तिर्यक रेखा वो क्या है, ई एफ है, और ई एफ की जो तिर्यक रेखाएं हैं वो ए बी और सी डी, ये आपस में एक दूसरे की तिर्यक रेखाएं हैं। तो मेरी समझ में आपको ये चीजें आ गई होंगी क्योंकि ये बहुत इजी है, बार 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 आप जब इन्हें देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो रेखाएं हैं इनके हिसाब से आगे त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज के बाद में और भी चीजें बनेंगी, मतलब पंचभुज षटभुज ये, और फिर इन्हीं से ही थ्री डी त्रिविमीय ज्यामिति जिसे हम कहते हैं, जैसे मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बेलन का निकालना है या हमें शंकु का निकालना है या हमें एक पूरे क्यूब और क्यूबॉइड
घन और घनाभ इनका निकालना है, तो ये रेखाएं आपको बहुत काम में आएंगी। तो आपको इन रेखाओं के बारे में इतनी जानकारी, क्योंकि हमने ये 10 प्रकार से बताई है, आप इसे ध्यान से